सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहने वाली आईपीएस अफसर अंशिका वर्मा का बरेली ट्रांसफर हो गया। 18 दिसंबर 2023 से गोरखपुर में बतौर एएसपी नियुक्त अंशिका वर्मा को अब बरेली साउथ के एएसपी के रूप में नई जिम्मेदारी मिली। आपको बता दें, सरकार की ओर से हालिया अंशिका वर्मा को प्रमोशन दिया गया और उसके बाद ही उन्हें बरेली जिला का एएसपी साउथ बनाया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अंशिका वर्मा 2021 बैच की आईपीएस अफसर है। 1996 में जन्मी अंशिका वर्मा मूल रूप से यूपी के प्रयागराज जिले की रहने वाली हैं। बता दें, अंशिका वर्मा ने नोएडा में एक कॉलेज से 2018 में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल करने के बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की और बिना किसी कोचिंग के प्रवेश लिए अंशिका ने सेल्फ स्टडी का रास्ता चुना और कड़ी मेहनत की, मगर पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद अंशिका ने हार नहीं मानी और वो अपनी तैयारी में जुटी रही। उनकी कड़ी मेहनत का उन्हें 2021 में तब इनाम मिला जब वो 136वीं रैंक के साथ आईपीएस बनी। ट्रेनी आईपीएस अंशिका वर्मा को सबसे पहले आगरा के फतेहपुर सीकरी थाने में एसएचओ के रूप में जिम्मेदारी मिली। फिर उन्होंने गोरखपुर में एएसपी पद का कार्यभार संभाला। अंशिका वर्मा ने अब तक के अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया। गोरखपुर में फर्जी स्टैंप और मनी म्यूल जैसे जटिल मामलों का पर्दाफाश उनके उत्कृष्ट कार्यों में शामिल था। इस ऑपरेशन में उन्होंने अपराधियों की पहचान की और उन्हें जेल भेजने में कामयाबी हासिल की। उनके साहसिक कार्य की तारीफ न केवल पुलिस विभाग में बल्कि आम जनता के बीच भी खूब हुई। उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उन्हें एक प्रेरणादायक अधिकारी के रूप में स्थापित किया, जो अपने दायित्वों को बखूबी निभाने के लिए जानी जाती हैं।